इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। नमस्कार दोस्तों, तो देख लीजिए, इस वीडियो को बनाने के लिए मैं पेटीएम मनी का डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ और लगभग यहाँ पे 1000 रुपये मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, 1200-1300 रुपये हैं यहाँ पे। और जैसा कि वीडियो का टाइटल भी यही है कि 1000 रुपये से ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें, बिगिनर्स लोगों के लिए यह वीडियो होने वाली है। और मैं इस वीडियो में ट्राई करूँगा कि बेसिक चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करूँ वीडियो के अंदर। तो बहुत ही नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है उन सभी के लिए जो स्टॉक मार्केट के अंदर बिगिनर हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात आप लोग के मन में ये आएगा कि पेटीएम मनी ही क्यों, क्योंकि दोस्तों पेटीएम मनी के अंदर आप देखेंगे कि ब्रोकरेज जो है काफ़ी कम है। एक एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के पीछे ये लोग अभी 15 रुपये ले रहे हैं आप लोगों से। वहीं अगर बड़े बड़े ब्रोकर्स की बात करें, जैसे कि ज़ीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, तो वो लोग आपसे एक एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के 20 रुपये लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा चार्ज है। तो चार्ज से बचने के लिए मैं ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ और ये बहुत ही बढ़िया भी है बिगनर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे एडवांस चीज़ें हमको मिल जाती हैं जो कि हमें वहाँ पे नहीं मिलती हैं। तो देख लीजिए, मैंने अपना अकाउंट यहाँ पे खोल लिया है। जब आप लोग भी यहाँ पे पेटीएम मनी के अंदर अपना अकाउंट खोल लेंगे तो आप लोग भी बिल्कुल ऐसा ही इंटरफेस देख पाएंगे। अगर अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से अकाउंट खोल लीजिएगा एंड लॉगिन कर लीजिएगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे अकाउंट भी क्रिएट कर लिया है और मैंने लॉगिन भी कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आप भी यहाँ पे देख पाएंगे एक स्पेशल यहाँ पे जो है डैशबोर्ड दिया गया होता है FNO ट्रेडर्स के लिए। डेडिकेटेड यहाँ पे डैशबोर्ड होता है यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे FNO डैशबोर्ड के नाम से। बस इसी पर आपको टैप करना है एंड यहाँ पर 4 डिजिट का यहाँ पर पासकोड होता है, जिसको जैसे ही हम लोग यहाँ पे डालेंगे तो हमारा FNO का डैशबोर्ड यहाँ पे खुल जाएगा, जिसके अंदर हम लोग सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है पेटीएम मनी का। तो चलिए, हमारा डैशबोर्ड यहाँ पे खुल चुका है और मैंने पहले ही यहाँ पे 1300 रुपये ऐड करके रखे हुए हैं। आप लोग भी चाहें तो यहाँ पे 1000 रुपये, 1200 रुपये जो भी आपके पास शुरू में है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बेसिकली 1200-1300 रुपये ऐड करने से हमको बहुत बड़ा प्रॉफिट या लॉस नहीं होने वाला है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इतने कम पैसे ऐड किए हैं। और कम पैसे ऐड करने का एडवांटेज भी यही रहता है कि हमको ज़्यादा लॉस नहीं होता है, हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग सीख पाते हैं शुरू शुरू में। वीडियो के लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि कम पैसे से ट्रेडिंग करने से, 1000 रुपये से ट्रेडिंग करने से आप लोगों को क्या बेनिफिट है और क्या लॉस है, एक एक पॉइंट में बताऊँगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक देख के जाइएगा। एंड मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हैं वीडियो को, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी जाके हमारा यहाँ पे 50,000 सब्सक्राइबर पूरा होगा। तो टारगेट पूरा करिए अपने भाई का। तो देख लीजिए, यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड हमने जैसे ही खोला वैसे ही हमको सबसे टॉप पे Nifty 50 और बैंक निफ्टी देखने को मिल रहा है। हम लोग Nifty 50 और बैंक निफ्टी में ही ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे। मैं आपको बता दूं Nifty 50 का नाम Nifty 50 क्यों है, क्योंकि Nifty 50 के अंदर 50 स्टॉक्स रहते हैं, टॉप स्टॉक रहते हैं, और वो स्टॉक्स जैसा बिहेवियर करते हैं, माइनस की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो वैसा ही बिहेवियर हमारा Nifty 50 करता है। और बैंक निफ्टी, जैसा कि नाम ही है इसका बैंक निफ्टी, तो इसके अंदर बैंक के स्टॉक्स रहते हैं और वो जैसा परफॉर्म करते हैं वैसे ये भी परफॉर्म करते हैं। तो वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा निफ्टी या बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट कम पैसे में कैसे ऐड करेंगे, 1000 रुपये के अंदर कैसे उसका कॉन्ट्रैक्ट ऐड करेंगे, कॉल ऑप्शन कैसे बाई कर सकते हैं, पुट ऑप्शन कैसे बाई कर सकते हैं। एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कॉल ऑप्शन का मतलब होता है जिनको भी लगता है कि मार्केट जहाँ पे अभी है उसके ऊपर जाएगा तो आप लोग कॉल लेते हैं, और जिनको लगता है कि मार्केट जहाँ है अभी नीचे जाएगा तो वो लोग पुट ऑप्शन खरीदते हैं। बेसिकली हम लोग ऑप्शन बायर हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन बाइंग करने में कम पैसा लगता है। जैसे देखिए, कोई यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे कि मान लीजिए बैंक निफ्टी में मैं यहाँ पे देखिए 18 अगस्त का जो है 39,200 का कॉल है, इस पर टैप करता हूँ तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, एक सेलिंग का एक बाइंग का। तो हम लोग बेसिकली जो कम पैसे वाले लोग होते हैं वो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में कम यहाँ पे प्रीमियम देना पड़ता है, जितना यहाँ पे प्राइस रहता है उतना ही प्रीमियम हमको यहाँ पे लगता है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग के अंदर अगर आप क्लिक करके देखेंगे तो एक क्वांटिटी खरीदने के लिए आप लोगों को 1.5-2 लाख रुपए लग जाते हैं यहाँ पे छोटा सा ऑप्शन बाइंग करने में। वहीं अगर हम आप यहाँ पे सॉरी सेलिंग करने में, लेकिन अगर हम यहीं पे बाई करते हैं तो ये लगभग 2-5 हज़ार रुपये में बाई हो जाता है। तो इतना बड़ा डिफरेंस होता है, और डिफरेंस भी इसीलिए होता है क्योंकि ऑप्शन सेलिंग थोड़ा सा पैसा ज़्यादा बना के देता है आप लोगों को, रिस्क कम रहता है।
एंड यहाँ पे ऑप्शन बाइंग के अंदर रिस्क ज़्यादा रहता है और हमारा पैसा बनने का चांस भी कम रहता है, तो इसीलिए प्रीमियम भी हमें कम देना पड़ता है। नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया, सिंपल सी बात है। तो देख लीजिए यहाँ पे FNO पोजीशन के अंदर आप लोग पेटीएम मनी के अंदर देख पाएंगे आप लोगों ने कितने वैल्यू का ट्रेड किया है दिन भर में, कितना आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर ही आप लोग देख पाएंगे। नीचे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैसा कितना है आपके पास वो आप देख सकते हैं। एंड मैं आपको बता दूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, FIIs की एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए। FIIs ने यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कितने का स्टॉक कितने का इंडेक्स के अंदर फ्यूचर्स के अंदर बाई किया, अगर वो बाई करते हैं तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव साइन होता है। और कल देखिए 1376 करोड़ रुपए का उन्होंने बाई किया था, तो ये मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल है। इसके बाद देखिए DII कैश दिखाई देता है, तो DII का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी हमारे भारत देश के ही जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उन्होंने कल क्या किया था एक दिन पहले, वो आप लोग यहाँ पे डाटा देखिएगा। दोनों ही डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके जस्ट नीचे देखिए आप लोगों को ग्लोबल मार्केट भी दिखाई देता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। ग्लोबल मार्केट यानी अमेरिका का डाउ जोनस, नैसडैक, इसके बाद यहाँ पे आप लोगों का अलग अलग रशिया का, हैंगसेंग का, चाइना का मार्केट कैसा कर रहा है उसी के हिसाब से अपना भी मार्केट मूव करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, यही एडवांटेज है पेटीएम मनी का। यहाँ पे आप लोगों को FIIs डाटा और ग्लोबल मार्केट का डाटा भी एक ही जगह पे देखने को मिल जाता है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है यहाँ पे, इसीलिए मैंने इसको यूज़ किया बिगिनर्स के लिए। तो देख लीजिए यहाँ पे बगल में ही हमको नीचे की तरफ वॉच लिस्ट का ऑप्शन मिलता है। वॉच लिस्ट में हम अपने कॉन्ट्रैक्ट ऐड करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी ये जो बेसिकली आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने खुद ही क्रिएट किया है वॉच लिस्ट। आप लोग भी चाहें तो यहाँ पे वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैं निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट फिर निफ्टी में ऐड करता हूँ, बैंक निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट बैंक निफ्टी में ऐड करता हूँ। जो लोग मेरी पिछली वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा, ऐसा मैं इसलिए करता हूँ ताकि माइंड के अंदर मेरे क्लैरिटी रहे और मैं समझ पाऊँ कि मैं कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। ये वॉच लिस्ट है दोस्तों। और अब चलिए हम अपने ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर बढ़ते हैं। तो देखिए मैं चाहूँ तो निफ्टी में भी ट्रेडिंग कर सकता हूँ, बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कर सकता हूँ, प्रोसेस दोनों का बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। देखिए बैंक निफ्टी भी अभी ऊपर है और निफ्टी भी अभी ऊपर है। बैंक निफ्टी का अभी करेंट प्राइस चल रहा है 39,316 के ऊपर, ठीक है। तो हमारा जो पैसा है हमारे पास 1,000 रुपया, उससे तो हम एट द मनी का कोई भी स्ट्राइक नहीं खरीद सकते हैं, यानी जब जहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी अभी चल रहा है वहाँ का एकदम करेक्ट स्ट्राइक प्राइस हम लोग नहीं खरीद सकते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हमारे पास पैसा कम है। इसीलिए हम लोग दूर जाएंगे तो हमें जो है सस्ते में प्रीमियम का कोई यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। तो 39,300 चल रहा है, हमारे पास है 1,000 रुपये सिर्फ। मान लीजिए आपने भी 1,000 रुपये ऐड किए होंगे, तो हम लोग अगर 39,700 का यहाँ पे सर्च करते हैं, मैंने पहले से ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऐड करके रखा है, आप लोग चाहें तो यहाँ सर्च बार में लिख सकते हैं बैंक निफ्टी 39,800 में डाल देता हूँ चलिए। और मैंने 800 डाला तो देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी का 39,800 का कॉल हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बस यहाँ पे टैग पे हमको क्लिक करना होता है, टैग पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं जो भी वॉच लिस्ट हमने क्रिएट किया है उसके अंदर हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी को मैं बैंक निफ्टी के अंदर ऐड कर देता हूँ चलिए। तो हमारा जो है 39,800 का कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे ऐड हो चुका है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी का 39,800 का कॉल यहाँ पे ऐड हो चुका है। वो 31 रुपये का अभी करेंट प्राइस इसका चल रहा है, तो हम इसको खरीद सकते हैं क्योंकि 1,000 रुपये में हम लोग इसको ही खरीद पाएंगे। बहुत स्ट्राइक प्राइस का हम लोग यहाँ पे नहीं खरीद सकते ऐट द मनी का, आउट ऑफ द मनी का हम लोग यहाँ पे खरीद सकते हैं। आउट ऑफ मनी का मतलब जो प्राइस अभी चल रहा है लाइव उससे काफ़ी दूर के स्ट्राइक का। तो यहाँ पे देखिए सेल और बाई दोनों है, मैंने आपको बताया था कि सेल तो हम कर नहीं सकते, बाई करेंगे। बाई पे मैंने जैसे ही क्लिक किया आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक क्वांटिटी बैंक निफ्टी का, अगर हम एक यहाँ पे लॉट लेते हैं तो उसके अंदर बेसिकली 25 क्वांटिटी होती है। तो यहीं पे देखिए कितना रुपये हमारा लग रहा है, 780 रुपये हमारा यहाँ पे लग रहा है 25 क्वांटिटी बाई करने के लिए। नीचे देखिए बाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एट मार्केट पे अभी है, लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे कस्टम प्राइस पे क्लिक करेंगे हम अपने मन का प्राइस यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर हम इसको हटाते हैं तो जो भी मार्केट में प्राइस लाइव चल रहा होगा उसी पे बाई हो जाता है। तो जनरली मैं क्या करता हूँ, कस्टम प्राइस पे ही यहाँ पे बाई करता हूँ, जो मेरे दिल का प्राइस होता है मैं उसी को डाल के यहाँ पे बाई करता हूँ। तो प्राइस मैंने 31 रुपये डाल दिए हैं, अभी मार्केट और नीचे आ गया है लेकिन 31 रुपये मैंने डाले हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे स्वाइप टू बाई पे क्लिक करता हूँ, सरका देता हूँ इसको।
जैसे ही मैं इसको सरकाता हूँ, वैसे देखिए मेरा ऑर्डर लग गया क्योंकि प्राइस अभी उतना ही चल रहा था। मैं ऑर्डर में जाके इसको चेक कर सकता हूँ, सक्सेसफुल ऑर्डर में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो भी हमारा कुछ बाई हो जाता है वो सक्सेसफुल में जाता है, जो भी फेल होता है यहाँ पे चला जाता है, कैंसिल जो हम अपने हाथ से करते हैं वो यहाँ आता है, और जो पेंडिंग ऑर्डर रहते हैं हमारे सक्सेसफुल नहीं हुए रहते, पेंडिंग में रहते हैं। तो हमने बाई कर लिया है तो हम सीधे पोर्टफोलियो के अंदर आएंगे और देखेंगे हमारा क्या नुकसान हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है। हमने इसको ख़रीदा था लगभग 31 रुपये में और अभी देखिए थोड़ा सा ये ऊपर भी आया था अभी कुछ देर के लिए। तो हम लोग बाई तो कर लेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड, हम लोग यहाँ पे बाई तो कर लेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया कि बाई करने के बाद आप लोग स्टॉप लॉस ज़रूर से लगाइए। स्टॉप लॉस आप लोगों को मैक्सिमम लॉस से बचाता है, यानी सडनली अगर मार्केट गिरने लगा और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपका सारा पैसा भी ख़त्म हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे बड़ी रिस्क यही रहती है कि यहाँ पे आपका सारा पैसा जा सकता है एक ही बार में। तो स्टॉप लॉस आपके पास एक ब्रह्मास्त्र होता है कह सकता हूँ, तो इसको ज़रूर से यूज़ करना चाहिए। लगाना काफ़ी आसान है, जो कॉन्ट्रैक्ट आपने ख़रीदा उसी पर क्लिक करिए, एग्जिट का ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक करिए, एंड नीचे सबसे यहाँ पे देखिए पेटीएम मनी के अंदर एडवांस ऑप्शन का ऑप्शन दिखाई देता है, यहाँ पे क्लिक करने पे आप लोग देखेंगे स्टॉप लॉस का ऑप्शन आएगा, बस इसी पे टैप करिए और देखिए दो ऑप्शन खुल के आएंगे, ट्रिगर प्राइस का और सेलिंग प्राइस का। देखिए जब ऑप्शन आप लोगों ने बाई किया है, कॉल को बाई किया है, तो आप लोग जो ट्रिगर प्राइस है वो ज़्यादा रखेंगे और सेलिंग प्राइस कम रखेंगे। वहीं अगर आपने पुट बाई किया होता तो ट्रिगर प्राइस कम रखते और सेलिंग प्राइस ज़्यादा रखते, और जो भी अपने सहूलियत के हिसाब से जितना आप लोग रिस्क ले सकते हैं उसी हिसाब से यहाँ पे ट्रिगर प्राइस और सेलिंग प्राइस हम लोग रखते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं। 31 रुपये का मैंने लिया था, मैं चाहता हूँ 20 रुपये के नीचे अगर ये कॉन्ट्रैक्ट जाए तो मेरा ये सेल कर दीजिएगा ऑटोमेटिक पेटीएम मनी वाले, और मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट तब नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 20 रुपये इसको डाला, तो सेलिंग प्राइस में मैं एक और रुपया नीचे डालता हूँ, यहाँ पे 19 रुपये ही डालता हूँ, और स्वाइप टू सेल पे क्लिक करता हूँ, सरका देता हूँ इसको। जैसे ही वैसे ही हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस लग चुका है अभी सिस्टम के अंदर। ऑर्डर पे जाके मैं पेंडिंग ऑर्डर में इसको चेक कर सकता हूँ, जो भी स्टॉप लॉस मैंने लगाया है वो यहाँ पे ही आपको दिखाई देगा। जैसे ही आपका स्टॉप लॉस टच होता है ये ऑटोमेटिक इसको सेल कर देगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका प्राइस आपको ऊपर मिल रहा है, जो आपने क्वांटिटी बाई की थी ऑप्शन में, अगर उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है तो सिंपली पहले आप लोगों को स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर कैंसिल करना होगा, क्योंकि आपके पैसे कम हैं। ज़्यादा पैसे रहते तो आप बिना कैंसिल किए भी यहाँ पे बेच सकते थे, लेकिन कम पैसे हैं तो पहले हाई मार्जिन वाले जो भी ऑर्डर हैं उसको कैंसिल करना होता है। ये हाई मार्जिन वाला ऑर्डर है तो इसको हम कैंसिल करते हैं। अब फिर से पोर्टफोलियो में जाते हैं और अपने ऑर्डर पर क्लिक करते हैं। सेलिंग करने के लिए हमको यहाँ पर सेल पर क्लिक करना होगा। अब ये देखिए मार्केट पे तो बेचेंगे नहीं, इसको अपने मन से बेचेंगे। 31 रुपये पे खरीदा था, चलिए यहाँ पे फिर 32 रुपये डाल देते हैं, आपको सिखाने के लिए मैंने इसको बाई किया था, एक रुपया ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं 32 रुपये लगा के इसको सेल पे क्लिक कर देता हूँ और 32 रुपये ऑर्डर जैसे ही आएगा ये क्लोज हो जाएगा, ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा। तो 32 रुपये आ गया हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली, यहाँ पे सेल हो गया 32 रुपये 10 पैसे पे, हमने इसको सेल कर दिया। तो ये प्रोसेस था हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग करने का। अब मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा 1000 रुपये या फिर उससे कम रुपए, कम पैसे लगा के ट्रेडिंग करने के नुकसान क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फ़ायदे के ऊपर। तो देखिए कम पैसे लगाने से मैं उन्हीं लोगों को रिकमेंड करूंगा कम पैसे लगा के ट्रेडिंग करने का, जो लोग बिगिनर हैं, जो लोग मार्केट में सीखना चाहते हैं। क्योंकि कम पैसे आप लोग लगाएंगे, अभी आप मार्केट में नए हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था 100% पैसे यहाँ पे लोग लॉस कर जाते हैं, लाख लाख रुपए लगा के 0 रुपये बना देते हैं उसको एक ही दिन में। तो उस रिस्क से आप लोग बचेंगे, आप लोग कम पैसे में भी यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग धीरे धीरे सीख पाएंगे। जब आप सीख लेते हैं तो आप पैसे ज़्यादा लगाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन पहले कम पैसे लगा के आप लोग एक मोटी मोटा अपना हाथ साफ कर लीजिए, हाथ की सफाई करिए, तो आप ज़्यादा पैसे लगाएंगे तो आपको बेनिफिट होने के चांस रहेगा। अलग अलग चीज़ों को सीखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न है, ग्लोबल मार्केट है और प्राइस एक्शन है, कई सारी चीज़ें होती है जिसको सीखने के बाद ही आप लोग ज़्यादा पैसे लगा के यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। एंड यहाँ पर कम पैसे लगाने का सबसे बड़ा प्रॉफिट मैंने आपको बताया यही है। एंड यहाँ पे कॉन्स की बात करें हम, अगर कॉन्स की बात करें तो नुकसान की बात करें तो कम पैसे लगाने पे आप लोगों को हमेशा दूर की स्ट्राइक खरीदनी होती है। जैसे 39,300 चल रहा है अभी करंट प्राइस, तो आप लोग उसको 700-800 का स्ट्राइक ही खरीद सकते हैं, क्योंकि कम पैसे हैं। और कम पैसे में आप लोग जब कम दूर के स्ट्राइक का खरीदते हैं, एट द मनी नहीं खरीद पाते हैं,
OTP खरीद पाते हैं, यानी आउट ऑफ मनी OTM खरीद पाते हैं, सॉरी आउट ऑफ मनी का। तो यहाँ पे आप लोगों को वेगा और थीटा का सामना करना पड़ता है। वेगा और थीटा एक चीज़ें होती हैं जो समय के साथ साथ आपके ऑप्शन जो आपने बाई किया है, खासकर बायर्स के लिए, सेलर्स के लिए यही एडवांटेज होता है कि वेगा और थीटा उनकी हेल्प करते हैं पासिंग ऑफ टाइम, यानी समय बीतता रहता है तो वेगा और थीटा जो है उनका हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप लोगों का वेगा थीटा विरोध करते हैं और प्राइस जो है ऑटोमेटिक गिरता रहता है, यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई मूवमेंट नहीं भी आएगी तो भी आपका जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है उसका प्राइस कम होता रहेगा। दूर का यहाँ पे होने का यही नुकसान है। एंड यहाँ पे जब तक बहुत बड़ी रैली नहीं आती है मार्केट के अंदर, आप लोगों को प्रॉफिट भी होने के चांस लगभग ना के बराबर हैं। यही सबसे बड़ा इसका दिक्कत है। एक तो आप लोगों को टाइम से भी लड़ना पड़ेगा और मार्केट अगर मूव नहीं करता है तो आपका नुकसान तो है ही। यानी मैं अगर परसेंटेज में बताऊं तो 90% चांस है कि आप लोग लॉस करोगे कम पैसे से अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो। सिर्फ सीखने के इरादे से करने हैं तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वीडियो सिर्फ मैंने आप लोगों के एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है और बाकी यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग काफ़ी रिस्की होता है। आप लोग अपने नॉलेज पे करिए, अच्छे से सीखिए, फिर करिए। अगर आपको डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है तो लिंक मैंने दिया है। एंड हमारा 50,000 सब्सक्राइबर पूरा करने में हेल्प करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग से नॉलेजफुल वीडियो के अंदर जिसमें मैं आपको कुछ और सिखा पाऊँ। इसके लिए लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।